आज वो मरहला आ गया है तारीख का एक अजीम मोड़। आप देखेंगे कि बड़ी मुशाबहत पैदा हो गई है। एक तरफ बज़ाहिर अमरीका की मर्जी के खिलाफ इसराइली वजीर आजम नतन्याहू वो बड़ा एक गुरूर का और बड़े तकबर का मुजाहरा कर रहा है, और वो पूरा पीस प्रोसेस जिस पर न मालूम कितना वक्त सर्फ हुआ था, कितनी मेहनतें हुई थी, कितने राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए थे, कभी वाशिंगटन में हुए हैं, कभी ओस्लो तर्ज का कोई मुआहदा हुआ है, कभी फिर और उसके बाद पेशी हुई थी मैड्रिड के अंदर भी, लेकिन वो सारा पीस प्रोसेस जो है उसकी धज्जियां कर रहा है। क्लिंटन हो या क्लिंटन का बाप हो, यहूदी लॉबी वहां की इतनी मजबूत है, कांग्रेस में और सेनेट में उनका इतना असर है कि कोई भी वहां शख्स बड़े से बड़ा ताकतवर और बड़े से बड़ा इख्तियारात का हामिल इसराइल की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। यही मामला यहां नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो नाराजगी का इजहार हुआ है, लेकिन यह बात अब तो खुलती चली जा रही है। हकीकत यह है कि यहूद और हनूद का बड़ा गहरा लिंक कायम हो चुका है, और इसके बाद हकीकत यह है अगर हमने जुरत कर ली, और मुझे यकीन है कि हो जाएगा, कुछ ले तो लाल है, कुछ ताखीर है, हुकूमत के कुछ ऐलान दो तरफा से भी आ जाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है यह धमाका होगा। ये मशीयत एजदी है, ये शुदनी अम्र है, ये होगा। और उसके बाद यकीनन इस आयत मुबारक का दूसरा लफ्ज हम पर मुंतबिक होगा, वला नब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ वल जूए। यहां दूसरा लफ्ज भूख का लफ्ज है। हम पर सख्तियां आएंगी यकीनन। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, पूरी दुनिया अमरीका की जेर सरपरस्ती हमारे खिलाफ खड़ी होगी, हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी, लेकिन शायद हमारे जज्बा ईमानी को बेदार करने के लिए अल्लाह ताला इसी को जरिया बना दे। कुछ एटमी दांत निकलने का इम्कान पैदा हुआ था इराक में, आपको मालूम है कई साल पहले इसराइल के जेट्स आए और उसकी एटमी तनसीबात को तहस नहस करके चले गए। इसके बाद जो कुछ हुआ है खलीज की जंग में, उसका अगला पिछला खाया पिया सारा उगलवा दिया, और उसके लिए जो पाबंदियां हैं शरीर से शरीर तक अभी तक चली आ रही, तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक पाकिस्तान। फिर इस सरजमीन में अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई है। ये सारी चीजें जो है ये दर हकीकत इशारा कर रही है कि ये मुल्क मशीयत एजदी के किसी तवील सिलसिले की एक कड़ी है, और वो सामने आ गया था कि सन 47 में यह कायम हुआ है, और पूरे 9 महीने बाद 14 अगस्त और 13 मई 14 अगस्त सन 47 और 13 मई सन 48 पूरे 9 महीने बाद इसराइल आलम वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने उस आलमी बीमारी उसके लिए जो इलाज है वो पहले पैदा किया है। जैसे कि हदीस में आता है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ला लहू दवान। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी ना उतार दिया हो। और जैसे कि माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध पैदा हो जाता है, उसकी गिज़ा का बंदोबस्त पहले हो जाता है, इसी तरीके से इसराइल का जो फितना उठने वाला था उसकी सरकोबी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया है। और आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी इस्तेदाद है। इन दोनों चीजों को सामने रखिए तो फिर मशीयत एजदी में मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह ताला की उस तदबीर के अंदर मौजूद है उसकी कुछ ना कुछ कड़ियां जो है मिलती नजर आती हैं। लिहाजा अगर यह मामला हो जाता है तो यकीनन अगरचे सख्ती आएगी, वलनब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ वल जू, लेकिन एक तो यह कि इस कौम के अंदर से इंशाल्लाह जज्बा ईमानी बरामद होगा। कर ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से छुटकारे का परवाना दे दिया, वो लश्कर जो है वो जहन्नम की आग से छुटकारा पा गए, वो 200 लश्कर कौन से होंगे, इसाबतुन यगुल हिंद, एक वो के जो हिंदुस्तान पर हमलावर होगा, और दूसरा वो जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ जबकि उनका नुजूल होगा, और अल्लाह ताला एक मुजद्दिद इस आखिरी दौर के मुजद्दिद की हैसियत से हजरत महदी को भी हमारे दरमियान में से उठाएगा, और फिर जो आखिरी फैसला कुन जंग होगी अल मलहमतुल उज़्मा,
उसके लिए यहां से फौजें जाएंगी उनकी मदद के लिए। और इस वादे का नुक्ता आगाज यही सरजमीन, और जैसा कि हमें अफगानिस्तान में आसार नजर आ रहे हैं, एक खालिस दीनी मजहबी हुकूमत कायम हो चुकी है। अफगानिस्तान का 80% इलाका अमन का गहवारा बन चुका, उलमा की वहां क्यादत है और हुकूमत है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर, जैसा कि आपको याद होगा मैंने जब तजवीज पेश की थी कि हुकूमत पाकिस्तान फौरन तस्लीम करे तालिबान को, अल्लाह का शुक्र है, मैं समय ये नहीं कहता कि मेरे कहने की वजह से हुआ, लेकिन बहरहाल अल्लाह का फजल हुआ कि चंद दिन के बाद ही हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया तालिबान की हुकूमत को। इस मरहले पर सियासी जमातें अपने जो उनका मिजाज है उसके मुताबिक चाहती हैं कि कैपिटलाइज करें, पॉलिटिकल मफादात हासिल करें। बहरहाल मेरे नजदीक एक कंसेंसस होना चाहिए, एक नुक्ते का धमाका होना चाहिए, और नंबर दो अल्लाह उसके रसूल के साथ सुलह और अल्लाह की मदद की जमानत हासिल करने के लिए किताब व सुन्नत की टोटल बालादस्ती, पूरे दस्तूर पाकिस्तान में कोई से उसके बनाफी हो, उस जो हमारे दीनी क़ियादत है उससे भी लोगों के अंदर मायूसी पैदा हो रही है, कैसे होगा। मैंने बारहा कहा, जब मैं ये शवाहिद देखता हूं जो हदीस में है, जिसकी खबरें दी गई हैं, 400 साल की तारीख देखता हूं, तो मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत शानदार नजर आता है। ये तो मशीयत एजदी में किसी बहुत अहम रोल को प्ले करने के लिए कायम हुआ है। जब मैं जमीनी हालात को देखता हूं तो मायूसी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो वक्त आ गया है कि जिसमें यह कौम झंझोड़ी जाए। और ये भट्टियां आप दोनों तरफ देखेंगी, मैं इससे पहले बारहा कह चुका हूं मिल्लत इस्लामिया तकरीबन 150 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें से तकरीबन 20 करोड़ अरब हैं। इनको अल्लाह ने खुसूसी फजीलत दी थी, ये थे कि जिनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ, खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, उन्हें जो फजीलत अता की थी। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में आकर भी उन्होंने आजादी हासिल करने के बाद भी अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, किसी ने मास्को की तरफ रुख किया, किसी ने वॉशिंगटन का रुख किया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुख नहीं हुआ। वाकया यह है कि मुजरिम है। दूसरे बड़े मुजरिम 150 करोड़ में से 10%, ये 15 करोड़ मुसलमान हैं। हालिया जो सेंसस हमारा हुआ है उसके बाद अंदाजा हो रहा है कि यहां की आबादी 15 करोड़ हो चुकी है। 10% उम्मत मुस्लिमा का मुसलमाना ने पाकिस्तान है, और ये इस एतबार से कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर निस्सदी गुजार चुके, लेकिन यहां पर इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ, और फिर यहां से पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबे की जिद्दोजहद का आगाज किया जाए। बस मैं इसी पर इत्तेफाक कर रहा हूं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि वह हमारे हुक्मरानों को, अगर तो कोई ताखीर हो रही है इंतजामी उमूर की वजह से कोई बात नहीं, बहरहाल मामला एकदम अचानक हो गया है, लेकिन मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह वो धमाका होगा और जल्द होगा। अगर कोई तजब्जुब है तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे वो नवाज शरीफ साहब के दिल को फेर दे और उसके अंदर इस्तेकामत पैदा कर दे, और दूसरे यहाँ की सियासी जमातों को भी ये तौफीक दे कि कोई और सियासी मसला इस वक्त ना उठाए। आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक कीजिए और दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए, सुनते रहिए हीरोज ऑफ इस्लाम टीवी ऑफिशियल। फिर मिलेंगे ऐसे ही मालूमाती ब्लॉग के साथ, तब तक लिए इजाजत दीजिए। अपने मेजबान मुफ्ती रिजवान को अल्लाह निगहबान।